अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एज यू नो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स. टुडे वी हैव टू डिस्कस आवर प्रॉब्लम नंबर 8. एज यू कैन सी, ताहिरा सोल्ड 187 मोर कपकेक्स ऑन मंडे देन ऑन ट्यूसडे. यानी कि ताहिरा ने 187 ज़्यादा कपकेक्स पीर को सेल किए मंगल की निस्बत. इफ़ शी सोल्ड 395 कप्स ऑन ट्यूसडे, हाउ मैनी कप्स डिड ताहिरा सेल ऑन मंडे. अगर उसने मंगल के दिन 395 कप केक सेल किए, फ़रोख्त किए, तो बताएं उसने पीर के दिन टोटल कितने कप केक्स फ़रोख्त किए. नाउ लेट सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एज यू कैन सी, कप केक ऑन ट्यूसडे डैट इज़ इक्वल टू 395. एज यू नो ही सेल मोर 187 कप दैन ट्यूसडे. That's why you have to make the sum of the both cupcakes. That becomes 582. That means she sell 582 cupcakes on Monday. Now move to the question number 9. As you can see, question number 9, a bakery sold 414 cheese buns. It sold 184 fewer raisin buns than cheese buns. How many raisin buns did the bakery sell? इसका मतलब ये है कि एक बेकरी ने अगर 414 चीज़ बन सेल किए हैं, तो उसने क्या बताया कि उसने 184 कम जो है वो चीज़ बन से रेजन बन सेल किए हैं, तो बताएं उसने कितने जो है वो रेजन बन सेल किए. नाउ लेट सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. As you can see the solution of this question number 9, cheese bun that is equal to 414. Now you have to write the fever from the cheese bun, that is 184. यानी कि कितने cheese bun से कम sell हुए, that is 184. Now you can see, you have to take the difference of the both numbers. As you can see, he has sold raisin buns, that is 230. यानी कि उसने 184 कम 414 से 230 रेज बन सेल किए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 10, अ क्रेट कॉन्टेन 254 रेड एप्पल्स. सैमी पुट 105 ग्रीन एप्पल्स इनटू द क्रेट. हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द क्रेट ऑल टुगेदर. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एज यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, red apples in a crate, that is 254, green apples in the crate 105. Now you have to make sum of the both numbers, that becomes 359. That means there are 359 total apples in a crate.